मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है उससे आगे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स आपको पहले से मालूम है कि कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके का नेचर रखेगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जितने भी हमारे एंगल्स मेजर किए जाते हैं, इस साइड को बोलते हैं इनिशियल साइड, ओके। इनिशियल साइड का मतलब होता है आरंभिक भुजा, और इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, ओके। टर्मिनल साइड का मतलब जो निर्णायक होगी हमारे, इससे और इसके दो रेखाओं के बीच जो कोण हम बनाते हैं, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। अब ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, थीटा, अल्फा, बीटा, जाई, गामा, अल्फा, ये सब ग्रीक लेटर्स है, तो आप कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ओके। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंगल्स को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो सबसे पहला जो मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ओके। अब चतुर्थांश ही क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। हर एक पार्ट 90 डिग्री का है, तो 90 को पाई बाई टू भी लिखा जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश, फिर और उल्टा है तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी कि ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव, प्लस वी का मतलब होता है पॉजिटिव रिजल्ट। ऑल रिजल्ट्स आर पॉजिटिव का मतलब कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू लिखो, जैसे आपने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 लिखा, तो ये जो 3/5 है, ये अगर ये कहा जा रहा है कि थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपसे कहा जाए कि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है, तो 3/5 पॉजिटिव लिखा जाए, ठीक है। अगर हम यहीं पे कॉस को लिख रहे हैं, ये हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर आप कॉस को लोगे तो आप ये लिख लो 4/5, तो जो 4/5 है हमारा, ये भी पॉजिटिव। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे रिजल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव लिखे जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बारी आती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप साइन थीटा लोगे तो क्या लिखा हुआ है, ओनली द रिजल्ट ऑफ साइन, SINE का मतलब कि यही वाला साइन है, एंड कॉसेक, तो साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सारे रिजल्ट निगेटिव होंगे। यानी कि अगर आप यही कॉस थीटा का जो ये रिजल्ट लिखा है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिखोगे तो लिखना पड़ेगा -4/5, क्यों, क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में कॉस हो जाएगा, अब अगर आप यहाँ पे साइन का लिखोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन का फंक्शन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ओके। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर आप यही साइन की वैल्यू लिखोगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -3/5, अगर आप कॉस यही लिखते हो तो लिखना पड़ेगा -4/5, और अगर आप टेन की वैल्यू लिखते हो तो हम लिखेंगे कॉस, ठीक है। लेकिन यही टेन की वैल्यू अगर यहाँ लिखेंगे तो निगेटिव लिखनी पड़ेगी, ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, अब यहाँ पे कॉस के लिए रिजल्ट लिखना हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। तो टेन अभी से कहते हैं, हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, ये जीरो है, ये 90 डिग्री होता है, ये पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 3/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, ओके। अभी हम इसे चेंज करके बता देंगे कि कैसे चेंज करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 गया, तो फोर्थ वाले में अगर आप लिखोगे तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, और यहीं पे अगर हम साइन लिखना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5, ये चीजें होंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि कैसे हम रेशियोज को सिंबल्स दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं कि मतलब वो पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर नेगेटिव हो रहे हैं, ओके। स्टूडेंट्स, लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। तो हमने क्वेश्चन ले लिया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4, आपको एक रेशियो दिया गया,
साइन एक्स का रेशियो गिवन है एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स हमारा लाइज चल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब द्वितीय चतुर्थांश। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इतनी बात आपसे कही गई है और कहा जा रहा है फाइंड द ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ओके, तो बाकी के हमें पांच और निकालने, एक आपको दिया पांच और निकालने। तो कभी भी कोई भी एक रेशियो आपको दिया जाए तो सबसे पहले उसकी हेल्प से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो साइन का रेशियो हमको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब हो गया लंब की वैल्यू 3 हो गई, हमने लंब को 3 लिख लिया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो गई, तो कर्ण को हमने 5 लिख लिया। अब 3 और 5 मिल गए तो हमें आधार की जरूरत है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस। तो बेस कैसे निकाला हमने, बी सी इज इक्वल्स टू बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम लेकिन साइड है भुजा है तो भुजा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, हम लोग इसलिए सिर्फ पॉजिटिव 4 लेंगे। तो एक रेशियो आपको दिया था, हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल रही, अब हम आगे का काम करेंगे। तो कॉस का रेशियो क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हम लोग पढ़ते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया आधार है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस का रिजल्ट कैसा आएगा, निगेटिव। ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन एक्स का रिजल्ट पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन और कॉसेक के सभी रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो रिजल्ट होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, तो कॉस का रिजल्ट नेगेटिव। अब अगर आप टेन का रिजल्ट निकालो तो टेन एक्स बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, लेकिन एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस। फिर अगर हम कॉट के लिए रिजल्ट निकाले तो किसी का उल्टा कर देंगे, -4/3। अगर आप कॉसेक का रिजल्ट निकालो तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा, साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/3। फिर अगर आप सेक एक्स का रिजल्ट निकालो तो सेक एक्स का रिजल्ट कॉस का अपोजिट कर लेंगे, यानी कि -5/4। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये बात समझेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में कैसा नेचर रखता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि cos x का रेशियो गिवन है और बाकी के पांच रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे कभी भी एक रेशियो दिया जाए आपको और बाकी के रेशियो फाइंड करते हो तो सबसे पहले दिए गए रेशियो की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे और दी गई भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, साइड्स का रेशियो लिखेंगे। तो cos का रिजल्ट हमें माइनस में दिया हुआ है क्यों, और एक लाइन मेंशन की गई है कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी सारे रिजल्ट निगेटिव होंगे, तो हमने कॉस का रिजल्ट इसीलिए यहाँ पे निगेटिव दिया गया आपको गिवन है, ठीक है। तो 3/5 हमने ले लिया, 3/5, और यहाँ साइंस को निगेटिव नहीं लेंगे, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है दैट एक्स इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब हमारे पास हाइपोटेनियस है और बेस है, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं तो हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाली बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दी, लंब की वैल्यू निकाल ली, और कॉस का रेशियो दे दिया गया। अब साइन का रेशियो क्या होगा, साइन एक्स बराबर, देखो साइन हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सबसे ये जरूर ध्यान रखना है कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन जो आएगा वो भी नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण 4/5। अब अगर आप टेन एक्स का रेशियो निकालो तो लंब बटे आधार, ये वाला रिजल्ट हम पॉजिटिव रखते हैं, ओके। तो टेन का रिजल्ट हमारा हो गया पॉजिटिव। फिर अगर आप ऐसे ही कॉट का रिजल्ट निकालना चाहो तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब रिजल्ट निगेटिव, ओके। तो सेक एक्स क्या आ जाएगा भाई, कॉस का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा,
माइनस फाइव बाई टू। कॉसेक निकालना है तो कॉसेक एक्स क्या होगा, साइन का इंटरचेंज, साइन को रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस फाइव बाई फोर, ये हमारे रिजल्ट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे क्वार्टर में टेन और कॉट सेल्स पॉजिटिव है, तो तीसरे में टेन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव है, बाकी सारे रिजल्ट नेगेटिव है। ओके,